अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम टेक्नोलॉजी अफेयर्स। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन ओप्पो के F7 का और वीवो के V9 का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों मोबाइल फोन्स को रिसेंटली लॉन्च किया गया है अप्रैल के महीने में। वीवो 9 हालांकि 5 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया था कुछ 2 से 3 हफ्ते पहले, और ओप्पो के F7 को लॉन्च किया गया है यहाँ पर सिर्फ 2 से 4 दिन पहले, यानी कि 20 अप्रैल को। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों मोबाइल फोन्स की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों मोबाइल फोन्स की बैक एंड पर कंपनी भी एक ही है, और यहाँ पर इन दोनों मोबाइल फोन्स का ऑलमोस्ट जो है वो डिज़ाइन और आपको काफ़ी हद तक इन दोनों मोबाइल फोन्स में सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे में हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनकी प्राइस को देखते हुए। प्राइस भी इन दोनों की मोबाइल फोन की ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर इंडिया में ओप्पो के F7 मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उसको वीवो V9 की प्राइस से थोड़ा कम रखा गया है, यानी 1000 रुपए का डिफरेंस है। 22000 रुपए में आपको देखने को मिलेगा वीवो का V9 इंडिया में, और 21000 में आपको देखने को मिलता है ओप्पो का F7। और यहां पर हैरानगुन बात यह है, हालांकि यहां पर 3 वेरियंट लॉन्च किए गए हैं ओप्पो के F7 के। 128 GB में भी आपको एक वेरियंट मिल जाता है, इसके अलावा ओप्पो F7 यूथ के नाम से भी एक वेरियंट जो है वो लॉन्च किया गया है, और इसके अलावा ओप्पो F7 रेगुलर, और इंडिया में ओप्पो F7 रेगुलर जो है जो कि 4GB 64GB मेमोरी के साथ में आता है, उसकी इंडिया में प्राइस जो है वीवो के V9 से 1000 रुपया कम है, लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंगली वो 2000 रुपया महंगा है। और दोस्तों यहां पर इन दोनों मोबाइल फोन्स की प्राइस और काफी हद तक इन दोनों मोबाइल फोन्स में जो है वो सिमिलैरिटीज हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल फोन्स का करूंगा कंपैरिजन और बताऊंगा कि आपको इन दोनों मोबाइल फोन्स में से कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले मैं डिज़ाइन की। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन दोनों मोबाइल फोन्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो इन दोनों मोबाइल फोन्स की बुराई करते हुए आपको दिखेंगे कि इन दोनों मोबाइल फोन्स ने जो है वो काफ़ी हद तक आईफोन को कॉपी किया है। और दोस्तों बात भी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ना सिर्फ जो है वो आईफोन के डिज़ाइन को कॉपी किया है, यानी कि यहाँ पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले जो है देखने को मिल जाएगा, यानी 19:9 की रेशियो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों नॉच के अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए इसके सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट की तो इन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो आईफोन के सॉफ्टवेयर को भी कॉपी करने की कोशिश की है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इशू ये नहीं है कि इन्होंने किस चीज़ की कॉपी की है और क्या कॉपी की है, यहाँ पर हमें देखना यह है कि हमें एट द एंड हमें क्या चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। अगर कॉपी की बात करूँ तो सबसे पहले आई से कुछ अर्सा पहले जो है वो एक आम फोन को आईफोन ने स्मार्टफोन की शक्ल दी थी, और उसके पीछे पीछे फिर सारी कंपनीज जो है वो उसकी कॉपी करते हुए चली गई। और इसके अलावा आईफोन ने भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो एंड्रॉइड से जो है वो कॉपी कर रखे हैं। दोस्तों ये कॉपी वाला सर्कल तो चलता ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर एट द एंड हमने देखना यह है कि हमें जो है वो क्या डिवाइस में क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ इन दोनों मोबाइल फोन की डिज़ाइन की। अब iPhone 10 ने जो है वो नॉच वाला डिस्प्ले जो है उसको डिज़ाइन किया, उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो नॉच वाला डिस्प्ले को पसंद किया। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो है वो नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, यानी यहाँ पर आपको 18:9 नहीं बल्कि 19:9 की रेशियो जो है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया है इन दोनों मोबाइल फोन्स की जो है वो अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया काफ़ी तगड़ा डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। हालांकि ओप्पो का जो बेसिकली डिस्प्लेज होते हैं वो उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा वार्म टोन जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इस डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा वार्म टोन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों मोबाइल फोन्स को जो है फुल मार्क्स जाते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है दोनों मोबाइल फोन्स का। अगर डिस्प्ले के मामले में आपको इन दोनों मोबाइल फोन्स में से किसी एक मोबाइल फोन को चुनना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दोनों का डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। 19:9 की रेशियो मिलती है आपको, फुल HD+ डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोनों मोबाइल फोन्स में। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन की बात करता चलूँ तो यहाँ पर आपको इन दोनों मोबाइल फोन्स में ही बेसिकली जो है वो देखने में ग्लास की लुक तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ग्लास की लुक नहीं है बल्कि यहाँ पर आपको जो है बेसिकली दोनों मोबाइल फोन्स की जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक से जो है बनी हुई देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिश किया गया है, और अगर बात करूँ मैं इनकी लुक की तो काफ़ी अच्छा काफ़ी प्रीमियम हाथ में पकड़े हुए काफ़ी प्रीमियम फीलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और दोनों ही मोबाइल फोन्स में जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया जो है वो प्रीमियम फीलिंग जो है वो मोबाइल फोन को पकड़े हुए अच्छा फील होने वाला है आपको, आपको कोई चीप एंड की डिवाइस देखने को नहीं मिलेगी अपने हाथ में। और दोस्तों यहाँ पर सैड चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है पे करना पड़ते हैं दोनों मोबाइल फोन्स के लिए, 39,000 रुपये करीब जो है वो हमें ओप्पो F7 के लिए पे करना पड़ता है, और 37,000 रुपये के लिए जो है हमें पे करना पड़ता है V9 के लिए। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको वही पुराना माइक्रो USB 2.0 देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर टाइप सी नहीं मिलेगा आपको इन दोनों डिवाइस में ही, हालांकि काफ़ी ज़्यादा महंगी डिवाइस हैं, यहाँ पर टाइप सी का होना काफ़ी ज़रूरी था। और दोस्तों इसके अलावा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इन दोनों मोबाइल फोन्स में ही जो है वो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलेगी, यानी कि आप यहाँ पर 2 सिम्स और 1 माइक्रो SD कार्ड जो है वो एक साथ में इन दोनों मोबाइल फोन में चला सकेंगे। दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता था इस चीज़ को, और पहले मोबाइल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया जाता था। दोस्तों ये तो हुआ डिज़ाइन, अब बात करेंगे यहाँ पर दो ही चीज़ों की, यानी कि यहाँ पर आपको हार्डवेयर कैसा मिलने वाला है, यहाँ पर आपको कैमराज कैसे मिलने वाले हैं। दोस्तों कैमराज के लिए काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फोन जो है बिकते हैं पाकिस्तान में, और इसके अलावा हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो हार्डवेयर और कैमरा यही दो एस्पेक्ट हैं फोन को लेने में, आपको इन दोनों ही चीज़ों
का जो है सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों बात करूं अगर यहाँ पर वीवो के V9 की, तो यहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसका जो मेन कैमरा है, जो इसका रियर पैनल पर कैमरा है, वहां पर आपको दो कैमरास देखने को मिलेंगे, 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का। और दोस्तों अगर बात करूं ओप्पो के F7 की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिलेगा और वो मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो आपको ओप्पो का कैमरा मिल रहा है, वहां पर आपको मिलेगा 1.8 का अपर्चर, यानी कि लो लाइटिंग में, आर्टिफिशियल लाइटिंग में आप काफी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आर्टिफिशियल लाइट में काफी अच्छी जो है वो सपोर्ट मिलेगी। इसका लेंस जो है वो काफी अच्छे तरीके से लाइट को जो है वो ग्रैब करेगा और लो लाइट में आपको काफी अच्छी जो है वो वीडियो और पिक्चर्स की क्वालिटी देने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ मैं बात करूँ वीवो के V9 की, तो लो लाइट में आपको यहाँ पर बहुत अच्छी जो है वीडियोग्राफी या पिक्चर्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर आप बात करते हैं आउटडोर की, तो यहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप होने की वजह से आपको जो है बुके इफेक्ट मिल जाएगा और काफी अच्छा जो है आप सेकेंडरी कैमरा को यूज करते हुए बुके इफेक्ट अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ मैं बात करूँ एक क्लियर विनर की, तो यहाँ पर ओप्पो का F7 जो है वो काफी पछाड़ रहा है वीवो के V9 को ड्यूअल कैमरा सेटअप होने के बावजूद, क्योंकि मोबाइल फोन्स में जो है वो आप हर वक्त जो है आउटडोर तो आप जो है फोटोग्राफी कर नहीं सकते हैं। ज्यादातर आपको जो फोटोग्राफ्स को क्लिक करना होता है, वीडियो बनाना होता है, वो आपको इंडोर में ही जरूरत पड़ती है। और इंडोर में अगर मैं बात करूं, तो ओप्पो का F7 जो है वहां पर 1.8 का अपर्चर आपको मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है, जबकि वीवो के V9 में आपको जो है वो वीवो ने अपर्चर भी मेंशन नहीं किया है। आई थिंक 2.2 या 2.4 का अपर्चर आपको देखने को मिलता है। और वैसे भी जो है टेस्टिंगली भी टेस्ट किया जा चुका है कि यहां पर वीवो का V9 जो है वो आर्टिफिशियल लाइट में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है। तो अगर आपके लिए जो है वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी जो है वो आपकी प्रेफरेंस है, तो आप ओप्पो के F7 की तरफ जाइए। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओप्पो के F7 में 25 मेगापिक्सल का, जी हाँ दोस्तों 25 मेगापिक्सल का जो है वो आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और वीवो V9 भी कुछ कम नहीं है, वहाँ पर अभी आपको जो है 24 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा LED फ्लैश के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही जो कैमराज हैं वो सेल्फी एक्सपर्ट हैं और दोनों ही कैमरा से आपको जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो सेल्फी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों मोबाइल फोन्स के कैमरा की अगर मैं बात करूँ फ्रंट में, तो आपको 24 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है वीवो V9 में। फेस रिकॉग्नाइजेशन का फीचर भी आपको दोनों ही मोबाइल फोन्स में मिलता है, यानी कि आप इसमें फेस अनलॉक का फीचर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये आईफोन की तरह हार्डवेयर एस्पेक्ट हार्डवेयर की तरह जो है वो बहुत अच्छा और तगड़ा सिक्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एट दी एंड जो है वो फेस रिकॉग्नाइजेशन का फीचर भी जो है वो मिल जाता है दोनों ही मोबाइल फोन्स में। और फ्रंट अगर सेल्फी कैमरा की मैं बात करूं, तो दोनों ही मोबाइल फोन्स में यहां पर ड्रा रहेगा, काफ़ी अच्छा सेल्फी कैमरा है दोनों ही मोबाइल फोन्स का। तो दोस्तों यहाँ पर हार्डवेयर एस्पेक्ट की बात करूंगा, तो यहाँ पर आपका वीवो के V9 में जो है वो स्नैपड्रैगन 626 चिपसेट जो है देखने को मिलेगा और ओप्पो के F7 में आपको मिलेगा मीडिया टेक का हीलियो P60। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूंगा, वीवो में जो आपको स्नैपड्रैगन 626 मिल रहा है, ये बहुत बुरा प्रोसेसर नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, आज से एक साल पुराना प्रोसेसर कह सकते हैं यहाँ पर ये, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया है स्नैपड्रैगन 626 की। लेकिन दोस्तों इसके अपोनेंट जो है, इसका राइवल जो F7 है, अगर उसकी बात की जाए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको हीलियो P60 मिलता है, जो कि बेसिकली देखने में तो एक मीडिया टेक का प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफी हद तक जो है बग्स को फिक्स किया गया है। और मीडिया टेक बोलता है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मीडिया टेक स्नैपड्रैगन 660 के मुकाबले में जो है वो उससे भी अच्छी होगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो जो ओप्पो F7 है, उसको यहाँ पर भी एज हासिल है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन यहाँ पर भी एज हासिल है कि वहाँ पर हीलियो P60 जो कि एक रिलेटिवली न्यू प्रोसेसर है, काफी ज्यादा बग्स को फिक्स किया गया है यहाँ पर। और एक जो न्यू प्रोसेसर होता है वो रिसेंटली बग्स जो है उनको फिक्स करते हुए आता है। स्नैपड्रैगन 626 को बुरा प्रोसेसर नहीं है, आपको मोबाइल फोन में काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आपको आप हाई एंड की गेमिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई एंड की आप गेमिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब गेमिंग तो आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हाई एंड की गेमिंग में आपको कुछ ना कुछ इशू फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओप्पो के F7 को यहाँ पर भी हासिल है हल्का सा, कि यहाँ पर आपको ओप्पो के F7 में जो है वो मीडिया टेक का P60 जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, कि हालांकि वो एक मीडिया टेक का प्रोसेसर है लेकिन वो रिलेटिवली एक न्यू प्रोसेसर है और यहाँ पर काफी ज्यादा बग्स को फिक्स किया गया है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करता चलूँ बैटरी टाइमिंग की, तो यहाँ पर आपको 3260 mAh की बैटरी जो है आपको मिलती है वीवो के V9 में, और ओप्पो के F7 में आपको मिलती है 3400 mAh की बैटरी। तो हल्का सा एज हासिल है बैटरी में भी ओप्पो के F7 को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वीवो के V9 में आपको जो है बैटरी बैकअप काफ़ी कम मिलता है, तो यहाँ पर मीडिया टेक का हीलियो P60 काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ से आपको 2 से 2.5 घंटे ऑन स्क्रीन जो है वो ज़्यादा मिलेगा ओप्पो के F7 में। तो दोस्तों एट दी एंड अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको इन दोनों मोबाइल फोन्स में से कौन सा मोबाइल फोन लेना चाहिए, तो देखिए दोस्तों मेरे ओपिनियन में इस प्राइस को मद्देनजर रखते हुए आपको इन दोनों मोबाइल फोन्स में से
कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको इन दोनों मोबाइल फ़ोन में, यानी कि आपको आईफोन का डिज़ाइन पसंद है और आपको एक किस्म का सस्ता आईफोन चाहिए, तो दोस्तों आपको इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से आई थिंक जो है वो ओप्पो F7 को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि 2000 रुपये महंगा तो है लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको एक रिलेटिवली न्यू हार्डवेयर जो है देखने को मिल रहा है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी मीडिया टेक के हेलियो P60 में। और इसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पर कैमरा की, तो हालांकि रियर पैनल में आपको सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन उसका अपर्चर काफ़ी बढ़िया है, 1.8 के अपर्चर के साथ वो आता है। लो लाइट में आप काफ़ी अच्छा जो है वो उससे सेल्फी, लो लाइट में आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उससे वीडियो बना सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी ले सकते हैं लो लाइट में। दोस्तों अगर तो वीडियो अच्छी लगी और रही हेल्पफुल दोस्तों अगर तो वीडियो अच्छी रही तो दोस्तों अगर तो वीडियो अच्छी लगी और रही हेल्पफुल तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।